हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस गुड इवनिंग, एक बार बता दीजिए स्क्रीन क्लियर आ रही है। गाइस गुड इवनिंग, पहले वाले उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गाइस एक बार बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार बता दीजिए। गाइस वॉइस क्लियर है? काइंडली ज्वाइन द सेशन एज सून एज पॉसिबल। सचिन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्लियर है वीडियो? चलिए ठीक है, जितने सभी बच्चे ज्वाइन करते हैं एक बार मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, 5 मिनट एक्सप्लेन कर दूं एक बार। ऑफर है अभी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं 5 मिनट, ठीक है? तो गाइस सभी नए बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 55% तक ऑफ चल रहा है अनअकैडमी में, 55% तक ऑफ मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है? जो भी नए बच्चे एनरोल होना चाहते हैं अनअकैडमी में, 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन है इसमें, ठीक है? सभी एसएससी जेई और स्टेट एई एग्ज़ाम्स के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए। अगर आप बच्चों 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एडिशनल उसमें बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपको ये पड़ेगा 6,792 का, 52% तक आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा बेटा, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं उसमें आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 8,041 रुपये का आपको सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, 53% आपको यहाँ पे सेविंग्स हो जा रही है, ठीक है? 24 महीने का अगर आप ले रहे हैं 2 साल का, तो 4 महीने आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 11,250 का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ रहा है, ठीक है? 55% तक आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ जनवरी 27, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। बच्चों कोड यूज़ कर सकते हो आप GS007 और अवेल कर सकते हो इस ऑफर को, ठीक है? आपको बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है? तो सभी बच्चे जो भी अनअकैडमी पे नए हैं, पहले तो भाई वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और दूसरा, मैंने ये सारे एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि डिस्काउंट्स ऑफर जो चल रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा, हमारा नया बैच आ रहा है 31 जनवरी को, मंजिल बैच, ठीक है? नया बैच आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। वो कोड यूज़ कर सकते हैं GS007 और बैच ज्वाइन कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं अमित विजय आपका लूँगा GS का पोर्शन इस बैच में, ठीक है? सचिन गुड इवनिंग और राकेश जी गुड इवनिंग, सेशन में आ जाइए सभी लोग। नए बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। ऑडियो वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप बता दीजिएगा, ठीक है? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा कमेंट में लिख के। जो भी नए बच्चे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं, टीम कांटेक्ट कर लेगी। साथ में ही ऑफिशियल GS का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है, कोड यूज़ कर लेना GS007। बैच ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ कर लेना GS007, ठीक है? इसी प्रकार से मैकेनिकल वाले बच्चे भी GS007 यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये जो 55% तक का आपको ऑफ मिल रहा है, 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन है सभी एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम के सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है? बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी से, ऑफर वैलिड है सिर्फ जनवरी 27 तक, ठीक है? इस बेटा ये बैच ज्वाइन कर लोगे आप, और भी जो स्टेट के एई जेई एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं 2023 एसएससी जेई के लिए। टॉपर्स जो हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत बच्चे हैं, सभी को यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाना संभव नहीं था, ठीक है? तो आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके टॉप रैंक एसएससी जेई में ला सकते हैं, ठीक है? ये कुछ हमारे प्लस फीचर्स हैं बच्चों, प्लस फीचर्स हैं जो ऑलरेडी प्लस के बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं सारे फीचर्स को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन फीचर्स का आप यूज़ उठा सकते हैं। GS007 कोड यूज़ कर लीजिएगा, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है? मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो भी 55% का मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पे वो आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बच्चे हैं हमारे टॉपर, अब की बार SSC JEE 2023 के टॉप रैंकर, सारे टॉप डिपार्टमेंट्स में प्लेस्ड हैं, जैसे कि CPWD हो गया, BRO वगैरह हो गया, सारे टॉप डिपार्टमेंट में हैं एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं इस बार अनअकैडमी से 2023 SSC JEE के रिजल्ट में, जो कुछ दिन पहले आया था, ठीक है? चलिए बच्चों कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कोड यूज़ कर लेना GS007, वरना कमेंट में लिख देना, टीम
टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी आप लोग को, और सभी बच्चे ऑफिशियल जीएस का जो चैनल है अनअकैडमी का वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। शुरू करें आज का सेशन, शुरू करते हैं आज बेटा फिर सेशन। इसमें हम कवर कर रहे थे सारे के सारे अपने जो दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो देख रहे थे हम, ठीक है। लगभग हमने आधे महीने की डिसीजंस देख लिए थे, ठीक है। मैं ठीक हूँ ख्याति तोमर, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। आप लोग आराम से अब बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बेस्ट वे लर्न करने का यही होता है कि अगर आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। अब ये सामने आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं चार तरीके से आ सकता है, अपन देख लेते हैं, आइए, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर वन है आज का, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स, कौन सा चक्रवात ऐसा है दैट हैज मेड लैंडफॉल इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जिसने तबाही मचा दी, मेकिंग इट 2023-2024 सीजन फर्स्ट साइक्लोन टू हिट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। बता दीजिए पहला कौन सा ऐसा साइक्लोन है 2023-24 का जिसने ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट को हिट किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में काफी तबाही मचा चुका है, बता दीजिए कौन सा ऐसा साइक्लोन है। ए ऑप्शन साइक्लोन जैस्पर, बी ऑप्शन साइक्लोन मिचुंग, सी साइक्लोन एलेक्स, डी साइक्लोन सिरोजा, बता दीजिए कौन सा, ए बी सी डी। बी मुस्कान, बी नहीं है इसका आंसर, इसका भी आंसर नहीं है मुस्कान, इसका आंसर है ए साइक्लोन जैस्पर। नोट करके लिख लीजिएगा, साइक्लोन जैस्पर पहला साइक्लोन है ये ऑस्ट्रेलिया का जिसने हिट किया है 2023-24 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च टू न्यूक्लियर सबमरीन, कौन सी दो न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करी है किस कंट्री ने, एक का नाम है राशोयार्स्क, दूसरा नाम है एम्परर एलेक्जेंडर थ्री, बता दीजिए। नाम से ही आप बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस प्रकार के कुछ कॉमन तरीकों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आंसर क्या होगा, बता दीजिए। ए फ्रांस, बी नॉर्थ कोरिया, सी जर्मनी, डी रशिया, इसका क्या लग रहा है आप लोग को, किस कंट्री ने दो न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किए हैं, बता दीजिए कौन सा ऐसा देश है जिसने दो न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है, ए फ्रांस, बी नॉर्थ कोरिया, सी जर्मनी, डी रशिया। सचिन, ए फ्रांस नहीं, फ्रांस आंसर नहीं बेटा, इसका आंसर है डी रशिया। आप सबमरीन के नाम देखिए आप समझ जाएंगे इमीडिएटली, ठीक है। आप रशियन लैंग्वेज के नाम आपको नजर आएंगे, नॉर्थ कोरिया नहीं, रशिया, रशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली जिराल्डो मार्टिन्स हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बता दीजिए जिराल्डो मार्टिन्स हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज, ए लाइबेरिया, बी टोगो, सी गुइनिया बिसाओ, डी आपका बेनिन, बता दीजिए। ए बी सी या डी, बता दीजिए बेटा, इसका आंसर है सी गुइनिया बिसाओ, नए बने हैं जिराल्डो मार्टिन्स पीएम बने हैं गुइनिया बिसाओ के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नोट करके लिख लीजिएगा उस पॉइंट को एक बार, प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट फ्लैग्ड अ टीम ऑफ ट्रैकर्स, जो बेटा पहाड़ी पे चढ़ाई करते हैं उन्हें ट्रैकर्स बोलते हैं अपन, ठीक है। हादी बकवर्मा, सही आंसर है आपका सी पिछले वाले का, ट्रैकर्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल तरीके से ये ट्रैकिंग करवाते हैं, दार्जिलिंग, दैट कैरीड आउट मिशन अंटार्कटिका, इन्होंने मिशन अंटार्कटिका कैरी आउट किया था। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका वेयर द टीम होस्टेड इंडियन फ्लैग, बता दीजिए किस पीक पे भारत का झंडा फहराया गया, अंटार्कटिका की किस पीक पे हाईएस्ट पीक है वो अंटार्कटिका की जिस पे भारत का झंडा फहराया गया, ए माउंट एल्ब्रस, बी माउंट ब्लैंक, सी माउंट विंसन, डी माउंट एकोनकैगुआ, बता दीजिए एकोनकैगुआ, ए बी या सी या डी, माउंट एल्ब्रस, माउंट ब्लैंक, माउंट विंसन, माउंट एकोनकैगुआ, बता दीजिए कौन सा है। मुस्कान आपने आंसर दिया है ए, बेटा इसका आंसर है सी,
माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है ये माउंट विंसन, जहाँ पे भारत का झंडा फहराया गया है अभी रिसेंटली ट्रैकर्स द्वारा। इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि अंटार्कटिका मिशन, मिशन अंटार्कटिका, इससे रिलेट कर देना कि अंटार्कटिका मिशन है वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के लिए है, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया है, ठीक है, ये याद रखना बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाइए रिसेंटली, रिसेंटली नेक्स्ट आ जाइए रिसेंटली ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज वॉज साइंड एट COP28 दुबई। COP28 को काफ़ी डिटेल में अपन ने देखा था दिसंबर वाले करंट अफेयर में, पहले जो लास्ट मंथ मैंने कराया था डेली वाले में। तो COP28 दुबई में इट एम्स टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ठीक है, ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी टू हाउ मच अमाउंट बाई 2030, 2030 तक ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी दुनिया की कितनी हो जाएगी 2030 तक बता दीजिए, 10,000 गीगावाट, बी 11,000 गीगावाट, सी 12,000 गीगावाट, डी 13,000 गीगावाट। बी अमित पाटिल जी ने कहा है ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11,000 गीगावाट इज द राइट आंसर। प्लेज किया है 11,000 गीगावाट तक ग्रीन एनर्जी की क्षमता बढ़ाई जाएगी पूरी दुनिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रिसेंटली इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड आईएनएस तारमुगली, आईएनएस तारमुगली ठीक है, क्या नाम है आईएनएस तारमुगली एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। अर्लियर इट वॉज अंडर द सर्विस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन से देश के अंडर था, MCGS हुरावे ठीक है बता दीजिए, ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी रशिया या डी मालदीव्स बता दीजिए। INS तारमुगली इंडिया ने इंडक्ट किया है अभी अपने नेवल डॉकयार्ड में विशाखापट्टनम में, ठीक है। पहले कौन सी कंट्री के अंडर सर्विस में था, नाम था इसका MCGS हुर्रावे, MCGS हुर्रावे बेटा, ऑप्शन डी मालदीव सही है आपका मुस्कान, वेरी गुड, ऑप्शन डी मालदीव, पहले मालदीव के पास था अब इंडिया ने इंडक्ट कर लिया, ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मालदीव, मालदीव बिल्कुल सही, सही नहीं श्रीलंका आंसर सही नहीं है पंकज, मालदीव आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2024, ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ दावोस 2024, विल टेक प्लेस इन दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड, इसकी थीम क्या थी, व्हाट इज इट्स थीम बता दीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2024 जो टेक प्लेस हुआ दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में, इसकी थीम क्या थी, ऑप्शन ए AI एंड रीशेपिंग ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ऑप्शन सी रेसिलियंट सप्लाई चेन्स, ऑप्शन डी बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलियंस, बता दो बच्चों ए बी सी या डी क्या लग रहा है बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन बी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट ठीक है, इसका आंसर है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इसकी थीम थी, किसकी थीम थी दावोस 2024 की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रिसेंटली, रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैव पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू डेवलप एक्टोसाइड टैबलेट्स, ठीक है किसके लिए होती है बेटा ये एक्टोसाइड टैबलेट्स, ये होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है। तो किसने डेवलप की है ये, किसने पार्टनरशिप में किस कंपनी के साथ डेवलप हुई है बताइए, ए बायोकॉन लिमिटेड, बी सुवेन लाइफ साइंसेस लिमिटेड, सी IDRS लैब प्राइवेट लिमिटेड, डी इंडोको रेमेडीज लिमिटेड बता दीजिए, किसके साथ की है पार्टनरशिप बेटा, इसका आंसर है सी IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सी IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ठीक है, IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी गई है, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट की ड्रग है ये, नाम क्या है एक्टोसाइट, एक्टोसाइट ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए
Recently, who amongst the following has become first woman medical officer to be deployed to an operational post on Siachen Glacier? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है. Operational post on Siachen Glacier. बता दीजिए. A. Captain Fatima Vaseem. B. Captain Gitika Kaul. C. Captain Shiva Chauhan. C. Captain Ritika Sharma. बता दीजिए. Operational post पे सबसे पहली बार मेडिकल ऑफिसर किस महिला को डिप्लॉय किया गया है बच्चों, बता दीजिए. ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट उसमें करवाया भी था दिसंबर वाले में. ठीक है बेटा, इसका आंसर है ए, कैप्टन फातिमा वसीम. कैप्टन फातिमा वसीम, ठीक है. कैप्टन फातिमा वसीम को ऑपरेशनल पोस्ट पे पहली बार एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टिंग या डिप्लॉय किया गया है. ठीक है. कैप्टन गीतिका कॉल, प्रकाश, कैप्टन गीतिका कॉल को सबसे पहली बार सियाचिन में भेजा गया था, लेकिन पोस्ट ऑपरेशनल नहीं थी वो. ठीक है, वो ऑपरेशनल पोस्ट नहीं थी. वैसे कैप्टन गीतिका कॉल है जिनको सबसे पहली बार पोस्टिंग मिली सियाचिन में, लेकिन एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑपरेशनल पोस्ट पे पहली बार पोस्टिंग मिली कैप्टन फातिमा वसीम को. ठीक है, कैप्टन फातिमा वसीम को. नेक्स्ट आ जाइए बच्चों. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन Which of the following organization has announced to provide euro 500 million around कितना हो गया 500 million euros around 4,500 crore for expansion of Bangalore Metro, Nama Metro. ठीक है, Bangalore Metro बता दीजिए. Option A MUFG Bank, Option B Asian Development Bank ADB, Option C KfW Development Bank, Option D Asian Infrastructure and Investment Bank AIIB. बता दीजिए किसको मिला है ये डेवलप करने के लिए, कौन से बैंक को. सभी बेहतरीन तरीके से आंसर कीजिए बच्चों. बेटा इसका आंसर है सी, KfW डेवलपमेंट बैंक. एडीबी नहीं है मुस्कान, सी आंसर है, सी आंसर है. जिस जिस जो जो क्वेश्चन बच्चों आपको नहीं आ रहे आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं या वापस से 2x की स्पीड पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, दो बार करेंगे दिमाग में छप जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ऑप्शनल पेपर है अपना, अपने पास ऑप्शन रहेंगे तो ह्यूमन ब्रेन ऑप्शंस को आराम से याद रख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए. रिसेंटली द पार्लियामेंट हैज पास्ड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023. ठीक है, अभी जो पार्लियामेंट सेशन गया था उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये बिल पास हुआ है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समाका सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. ठीक है, समाका सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से स्टेट में है ये बता दीजिए. इसके तहत ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा. बता दीजिए, ये भी करवाया हुआ है मैंने उस सेशन में. अब मैं जल्दी ही, मेरे को लग रहा है कि आपके लिए पिछली बार की तरह जैसे दिसंबर में मैं 4-5 दिन आपके लिए डेली करंट अफेयर लेके आया था, इस प्रकार से डेली करंट अफेयर लेके आना पड़ेगा आप लोग के लिए. ठीक है, जिससे कि ये इस तरह के सवाल बहुत इजी हो जाएं. इसका आंसर है बेटा सी, तेलंगाना. तेलंगाना इसका राइट आंसर है, करवाया हुआ है, जाके स्पेशल क्लास वाली वीडियो में देख लेना. बिल्कुल सही है, सी तेलंगाना इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देख लीजिए. रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन एम्फीपोड नेम्ड डीमोर्ज ओचेटा एलांसिस, ठीक है, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स. कौन से लेक में डिस्कवर हुआ है बता दीजिए ये स्पीशी. ए वुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर, बी लोकटक लेक मणिपुर, सी वेम्बनाड लेक केरला, डी चिलिका लेक उड़ीसा. नोट डाउन करके सभी बच्चे ऑप्शन को भी ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन में भी आपको लेक्स के बारे में पता चल रहा है. बेटा इन लेक्स लिख लेना, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट लेक्स हैं. ठीक है, ये एक नया स्पीशी मिला है बच्चों, बता दीजिए कहाँ मिला है ये. बेटा ये मिला है सी लेक चिलिका, चिलिका लेक उड़ीसा में, सी चिलिका लेक उड़ीसा में मिला है. ठीक है, चिलिका लेक उड़ीसा में मिला है. नेक्स्ट आ जाइए. रिसेंटली ग्लोबल कूलिंग प्लेज हैज बीन साइंड इन दुबई. ग्लोबल कूलिंग प्लेज आपने देखा था, प्लेज मतलब कसम खाना, हैज बीन साइंड एट COP28 दुबई, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई. इट कमिट्स द कंट्री टू रिड्यूस देयर कूलिंग एमिशन
कूलिंग एमिशन बाय एटलीस्ट हाउ मच परसेंटेज बाय 2050। ऑप्शन ए 48%, बी 68%, सी 38%, डी 88%। बता दीजिए बेटा क्या होगा इसका। ए 48, बी 68, सी 38, डी 88। ठीक है, अब क्या है बेटा, कूलिंग एमिशन मतलब एसी वगैरह या फ्रिज वगैरह, इनसे भी एमिशन होती है रेडिएशन, इससे भी जो एमिशन होती है गैसेस, उनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस उससे एक तरीके से इफेक्ट होता है। बच्चों क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ए 48, बी 68, सी 38, डी 88, आंसर बता दो बेटा। इसका राइट आंसर है बी 68 इज द राइट आंसर। बी 68 इज द राइट आंसर। नो 48 नहीं मुस्कान, इट्स बी 68। ठीक है, 68% तक कम करने की कसम खाई है, प्लेज ली है, कब कूप 28 में, कब तक, 2050 तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड एट 2023 रीच। क्या है बेटा, रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस अराउंड चैंपियंस ऑफ हेल्थ इवेंट। कहां पे हुआ है ये हुआ है कूप 28 दुबई में। ठीक है, कूप 28 दुबई में। तो बता दीजिए किसको ये अवार्ड मिला है, किसको ये अवार्ड मिला है। ए नरेश त्रेहान, बी डॉक्टर अनिल बहान, सी डॉक्टर ननोज लुथरा, डी डॉक्टर अतुल शाह। बता दीजिए किसको ये अवार्ड मिला है। रीच है बेटा, एक बार अंडरलाइन कर देता हूं मैं, इसका ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करके कहीं लिख लो। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस अराउंड चैंपियंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसका आंसर है बेटा डी डॉक्टर अतुल शाह। डॉक्टर अतुल शाह को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कहां पे, कूप 28 दुबई में जो इवेंट हुई थी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो बेटा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एंटिटी, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बताइए, ऑप्शन ए वॉइस सोसाइटी, ऑप्शन बी SGBG उन्नति फाउंडेशन, ऑप्शन सी पोसिट स्किल, ऑप्शन डी गर्मल्या ट्रस्ट। किसको सबसे पहली बार लिस्ट किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, बता दीजिए बच्चों आंसर इसका। सोशल एक्सचेंज क्या है, इसके लिए मैं एक पिक्चर लाया हूं, देख लीजिए। ठीक है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर प्लेटफॉर्म्स दैट विल अलाउ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रजिस्टर्ड NPOs जो होते हैं उनको लिस्ट करेगी ये, रजिस्टर्ड NPOs को, NPOs नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड सोशल एंटरप्राइज टू रेज फंड्स इकट्ठा करने के लिए, सोशल एंटरप्राइज टू रेज फंड्स, एंटरप्राइज टू रेज फंड्स। ठीक है, बताओ किसको लिस्ट किया है सबसे पहली बार, बता दीजिए बच्चों। दीपक आपने आंसर दिया है सी पोसिट स्किल, नहीं पोसिट स्किल आंसर नहीं बेटा, इसका आंसर है बी SGBS उन्नति फाउंडेशन, SGBS उन्नति फाउंडेशन। ठीक है, इसको लिस्ट किया है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RSC टू रिसीव नाइहोम प्राइज ऑफ एजुकेशन 2023। RSC रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री टू रिसीव नाइहोम प्राइज फॉर एजुकेशन 2023। बता दीजिए, ए प्रोफेसर अशोक के गांगुली, बी प्रोफेसर सविता लगाड़े, ऑप्शन सी प्रोफेसर अनिल जे एलियास, ऑप्शन डी प्रोफेसर दिव्य ज्योति घोष। बता दीजिए आंसर ABCD में से कौन सा है, क्या लग रहा है आप लोगों को बेटा। इसका आंसर है बी प्रोफेसर सविता लगाड़े। ठीक है, सविता लगाड़े इनको मिला है RSC की तरफ से नाइहोम प्राइज फॉर एजुकेशन 2023। ठीक है,
हाँ दीपक बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आ जाओ, रिसेंटली हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज HCCB, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज हैज साइंड अ MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 करोड़। बता दीजिए किस किस स्टेट के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। बता दो, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु। बता दीजिए ए बी सी डी में से। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज हैज साइंड MOU ऑफ 3,000 करोड़। बेटा इसका आंसर है सी गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, गुजरात स्टेट के साथ साइन किया है। ठीक है, गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड इंडिया फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। बता दीजिए किस कंपनी ने पहली बार सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी रिवील करी है। बता दीजिए, ऑप्शन ए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑप्शन बी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, ऑप्शन डी KPIT टेक्नोलॉजीज। बता दीजिए बच्चों किसने किया है ये, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड BDL, या फिर डी KPIT टेक्नोलॉजी। बेटा इसका आंसर है डी KPIT टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लो, ये क्वेश्चन आने का है क्योंकि इंडिया को सेमीकंडक्टर हब में नंबर वन लेके जाना है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर से लेके बैटरीज अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर और बैटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल यूनियन फॉर रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट हैज रिक्लासिफाइड द स्टेटस ऑफ सीगा एंटीलोपा साइगा टार्टिका फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्रिटिकल एंडेंजर्ड की लिस्ट में थी रेड लिस्ट, सारा अपन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे जब एक बार कवर करेंगे बेटा उसमें, ये सारे रेड लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ये सारी लिस्ट जो भी आती है, येलो लिस्ट, उसे अपन कवर करेंगे ठीक है डिटेल में। टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए नियर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन बी एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी वल्नरेबल, ऑप्शन डी एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट। बता दीजिए किस कैटेगरी में ये डाला गया है। रिसेंटली IUCN, IUCN का फुल फॉर्म देख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बच्चों। ठीक है, बता दीजिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड से लेके कौन सी कैटेगरी में अब डाल दिया गया। बेटा इसका आंसर है ए नियर थ्रेटन। ठीक है, नियर थ्रेटन, आंसर ए नियर थ्रेटन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज साइंड अ यूरो 70 मिलियन अबाउट 630 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट विद KfW जर्मन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, KfW इज अ जर्मन डेवलपमेंट बैंक फॉर सपोर्टिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लेना बेटा इसे। ठीक है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक ने फोटोवोल्टिक मतलब इंडिया के किस स्टेट में फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है 630 करोड़ रुपए। ए SBI, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक PNB, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। बता दीजिए ए बी सी डी में से, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आप लोग को। नहीं, HDFC बैंक नहीं है, इसका आंसर है बेटा ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके जर्मन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट कर रहा है यूरो 70 मिलियन 630 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किस चीज के लिए, सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इंडिया में डेवलप करने के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी रिसेंटली
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी वॉज क्रिएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. ठीक है, लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी जो करवाई गई कौन से इंस्टीट्यूट में करवाई गई. ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे, बी SP कॉलेज पुणे. ठीक है, SP कॉलेज पुणे, सर परशुराम भाऊ SP कॉलेज पुणे. ऑप्शन सी SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई. ऑप्शन डी MIT यूनिवर्सिटी नोएडा. ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये करवाया गया. लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी कौन से कॉलेज में करवाई गई बता दो बच्चों, A, B, C या D. इसका आंसर बेटा बी, सर परशुराम भाऊ SP कॉलेज पुणे. सर परशुराम भाव SP कॉलेज पुणे इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैव बिकम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम बता दो बच्चों, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन से खिलाड़ी को डाला गया. ए रोहन बोपाना एंड सुमित नागन. ऑप्शन बी महेश भूपति एंड रमेश कृष्णन. ऑप्शन सी रमनाथन कृष्णन एंड युक्ति भांबरी. ऑप्शन डी लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज. बता दीजिए किन किन को हॉल ऑफ फेम में डाला गया. इसमें हॉल ऑफ फेम होता है ना बेटा ग्रेटेस्ट प्लेयर के हॉल ऑफ फेम्स, तो किसको डाला गया इसमें से बता दीजिए. आंसर है बेटा इसका डी, लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज को. ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में डाला गया इन्हें. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाइए. रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन हुरून इंडिया टॉप अंडर 100. हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 बता दीजिए. फर्स्ट रैंक किसने सिक्योर की है इसमें. ए कैवल्या वोरा, बी आदित्य पलीचा, सी देवांशी केजरीवाल, डी नीलंकथा भानु प्रकाश. बता दीजिए किसने किया है बच्चों. बेटा इसका आंसर है ए कैवल्या वोरा ने. ठीक है, फर्स्ट रैंक है इसकी इनकी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में. ठीक है, कैवल्या वोरा. नेक्स्ट आ जाइए. रिसेंटली उमा शेखर फ्रॉम इंडिया हैज बीन, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको ऑलरेडी, गलत मत करना. उमा शेखर फ्रॉम इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ. यूनिड्रॉइट बोलते हैं जिसे अपन बेटा, यूनिड्रॉइट. यूनिड्रॉइट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. सब कराया डिटेल में आपको, हेडक्वार्टर तक भी बताया है. ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी रोम इटली, ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड. बता दीजिए बेटा हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिड्रॉइट का. यूनिड्रॉइट का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, इसका आंसर है सी रोम इटली. रोम इटली में. ठीक है, इसका आंसर है सी रोम इटली. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च टू पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म्स. ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट CH4D जिसे अपन बोलते हैं, ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, एंड ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप GFMR. ठीक है, CH4D प्लस GFMR. ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए ये पार्टनरशिप दोनों. ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP. ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB. ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN. बता दीजिए बच्चों किसने किया है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है ये. बेटा इसका आंसर है ए वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है. आंसर ए वर्ल्ड बैंक. नहीं दीपक, बी आंसर नहीं है, वर्ल्ड बैंक ए आंसर है इसका. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड SIPRI 2022 टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज. ठीक है, टॉप 100
आर्म प्रोड्यूसिंग हथियार बनाने वाली कंपनीज मिलिट्री सर्विसिंग कंपनीज रिपोर्ट देर आर टोटल हाउ मेनी इंडियन कंपनीज अमंग टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। इन्होंने रिपोर्ट भेजी है जिसमें ये पता चला है कि टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों में से कितनी इंडियन कंपनीज हैं। बता दीजिए ऑप्शन ए एक है, ऑप्शन बी दो है, ऑप्शन सी तीन है, ऑप्शन डी चार है, बता दीजिए। बेटा इसका आंसर है सी थ्री, तीन कंपनीज है इंडिया की, ठीक है, टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज में, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। लॉकहीड मार्टिन ग्रुप नंबर वन पे है जो सबसे ज्यादा हथियार प्रोड्यूस करता है, लॉकहीड मार्टिन ग्रुप, ठीक है। टॉप 10 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। इंडिया की कौन कौन सी कंपनी है नोट करके लिख लो एक बार, हथियार बनाने वाली कंपनी आपको अपने देश की पता हो। सबसे पहले है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL लिमिटेड, ठीक है, HAL इसको मिला है बेटा 41st पोजीशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपनी इंडिया कंपनी कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BEL, BEL, इसे मिला है बेटा 63वां स्थान, 63rd, ठीक है, 63वां स्थान मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, ठीक है। फिर है ये मैगाजोन डॉक्स, इंडिया की तीसरी कंपनी है मैगाजोन डॉक्स लिमिटेड, ठीक है, MDL बोलते हैं अपन इस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है MDL, इसको मिली है बेटा 89th पोजीशन, ठीक है, टॉप 100 में। ये तीनों भारत की कंपनीज हैं जो टॉप हथियार बनाती है, टॉप हथियार बनाने वाली 100 कंपनियों में इन तीन भारतीय कंपनियों का नाम भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मैगाजोन डॉक्स MDL लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर इन इंडिया, बता दो। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे अपन कब मनाते हैं बता दीजिए इंडिया में? ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 14 दिसंबर। 11, 12, 13, 14 कब मनाते हैं बच्चों बता दीजिए? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14 दिसंबर, बता दीजिए। बेटा इसका आंसर है डी, 14 दिसंबर को अपन वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं, ठीक है। डेज में लिख लेना नोट करके, इंपॉर्टेंट। मुस्कान सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज साइंड अ MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टू प्रमोट इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बता दीजिए। इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है किसके साथ, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर, ऑप्शन बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ऑप्शन सी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, ऑप्शन डी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, बता दीजिए। सीरी जो अपन बोलते हैं सीरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए नंबर वन इंस्टीट्यूट सीरी राजस्थान, बता दीजिए। किसके साथ साइन किया है इंडियन नेवी ने MOU, बता दीजिए बच्चों। बेटा इसका आंसर है ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है, IIT कानपुर के साथ किया है MOU साइन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वॉन मिस इंडिया USA 2023, मिस इंडिया USA 2023 किसने जीता है अब की बार, बताइए।
मिस इंडिया यूएसए ए सलोनी राजमोहन, बी स्नेहा नाम्बिया, सी राजुल मियानी, डी गिश्मा भट्ट। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, आपको डिटेल में बताया हुआ था बेटा। इसका आंसर है सी रिजुल मैनी, रिजुल मैनी, ठीक है, इसका आंसर है रिजुल मैनी, ऑप्शन सी, मिस इंडिया यूनिवर्स यूएसए 2023 की विनर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली अ ग्लोबल सबमिट ऑन लिवेबल सिटी फॉर टुमोरो, ग्लोबल सबमिट ऑन, नोट करके लिखिएगा सारी सबमिट्स को, लिवेबल सिटी ऑफ टुमोरो वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज करी गई है बता दीजिए, लिवेबल सिटी फॉर टुमोरो, ए न्यू दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी गांधीनगर, बता दीजिए कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है ये, लिवेबल सिटी फॉर टुमोरो ग्लोबल समिट, बेटा इसका आंसर है डी गांधीनगर, डी गांधीनगर इज द राइट आंसर, गांधीनगर में ऑर्गेनाइज हुई है ये समिट, लिवेबल सिटीज फॉर टुमोरो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक मतलब पैक करके ट्रांसपोर्ट कराना बेटा, लॉजिस्टिक होता है, ठीक है, कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, ठीक है, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट तैयार करती है, कौन सी रिपोर्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, ठीक है, असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, ए नीति आयोग, बी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, या डी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बता दीजिए बेटा। तो बच्चों इसका आंसर है बी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, ठीक है NCAER ये तैयार करती है रिपोर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट को अभी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, ए आगरा एयरपोर्ट, बी शिलोंग एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सूरत एयरपोर्ट, ऑप्शन डी शिमला एयरपोर्ट, बता दीजिए किस एयरपोर्ट को अभी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, सही बच्चे इसका आंसर देंगे बेटा, इसका आंसर है सी सूरत एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट को अभी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, ठीक है, डिक्लेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आगे आ जाइए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अवॉर्डेड द 2023 इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज, इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज टू द अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बता दीजिए कौन सी कंट्रीज ने ये अवार्ड दिया है, बता दीजिए, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, एक अफगान एनजीओ को यह अवार्ड मिला था, किसने दिया था, ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी जर्मनी, डी यूनाइटेड किंगडम, बता दीजिए। बेटा इसका आंसर है ए फिनलैंड, फिनलैंड ने अवार्ड दिया है, मैंने बताया था अफगान एनजीओ ने काम किया था, ठीक है, किस चीज का, स्किल, वहां की औरतों में स्किल डालने का, शिक्षा प्रदान करने का, ठीक है, इसलिए उन्हें 2023 का इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज मिला, ठीक है, हाँ ए राइट आंसर 11 का बिल्कुल सही है, बी पॉजिटिव जी, नाइस नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड एज 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियन टेनिस, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन टेनिस ITF इन मेंस सिंगल कैटेगरी, बता दीजिए, ए कार्लोस अल्काराज, बी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी कैस्पर रूड, ऑप्शन डी डेनिल मेडिडेव, बता दीजिए किसको मिला है ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप टेनिस, बता दीजिए किसको मिला है, ए बी सी या डी, किसे मिला है इनमें से, चार ऑप्शन में से बता दीजिए बेटा, लिख लो,
ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच को मिला है। ठीक है, नोवाक जोकोविच को मिला है, नोट डाउन करके लिख लो। और भी लिखवा देता हूँ आपको सारे टेनिस से रिलेटेड अवार्ड्स जिसको मिले हैं। देखो वुमेन सिंगल में किसको मिला है, वुमेन सिंगल में किसको मिला है, आर्न्या सबालेखा। सबालेनका, ठीक है, आर्न्या सबालेनका को मिला है वुमेन सिंगल में। वुमेन्स डबल में किस किस को मिला है, वुमेन्स डबल में बेटा लिख लेना ये, आपके और 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, लिख लेना ये। वुमेन्स डबल में किसको मिला है, स्टॉर्म हंटर एंड एलिस मार्टिन्स, इनको मिला है बेटा विमेन डबल में। मेन डबल में किस किस को मिला है, मेन डबल में किस किस को मिला है, राजीव राम एंड जोई सेलिसबरी। राजीव राम एंड जोई सेलिसबरी, इनको मिला है ये मेंस डबल में। ठीक है, वुमेन व्हीलचेयर में किसको मिला है, लिख लो वुमेन व्हीलचेयर में, विमेन व्हीलचेयर कैटेगरी में किसको मिला है टेनिस अवार्ड, डाइडी डी ग्रूट। आप ग्रूट याद रखना, बस कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। मेंस व्हीलचेयर में मेंस व्हीलचेयर में मिला है एल्फी हेविट। ठीक है, तो बेटा ये और सारे टेनिस के अवार्ड थे जो मिले हैं अभी, एक बार नोट कर लेना, सभी बच्चे एक बार ध्यान दे देंगे इस पे। ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड बाय ओला सीईओ भावेश अग्रवाल, बता दीजिए। ए अधीरा AI, बी देविक AI, सी रामानुजा AI, डी कृत्रिम AI, बता दीजिए क्या नाम है जो ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने अभी अनाउंस किया है, लॉन्च किया है, बता दीजिए ABCD। बेटा इसका आंसर है डी, कृत्रिम AI, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कृत्रिम AI। ठीक है, कृत्रिम AI। नेक्स्ट देख लीजिए, रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA हैज इशूड, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज इशूड एरोड्रोम लाइसेंस टू द अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है बच्चों, ए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, बी GMR एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड, ऑप्शन सी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, ऑप्शन डी रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। किसने बनाया बेटा ये क्वेश्चन है, अयोध्या राम टेम्पल के लिए ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए किया गया है, बनाया किसने है बताइए, बनाया किसने बच्चों ये,
ये बनाया बेटा AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है ये, ठीक है, नोट करके लिख लेना, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली 3 इंडियन ऑफिसर्स, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन ऑल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। गोल्डन ऑल अवार्ड कौन से प्रेसिडेंट ने ये घोषित किया है, किस देश के प्रेसिडेंट ने, ए श्रीलंका, बी मालदीव्स, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या डी USA, बता दीजिए। बेटा मालदीव्स तो वैसे ही नहीं है, दुश्मनी इस कदर पहुंच चुकी है कि मालदीव्स तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बी या डी में से बता दीजिए जल्दी से, क्या लग रहा है, बी नहीं है मालदीव्स, आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है ए श्रीलंका, ए श्रीलंका इज द राइट आंसर, राकेश जी ए श्रीलंका इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है क्लास में, सूरत डायमंड बोर्स के बारे में, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इन सूरत डिस्ट्रिक्ट, बता दीजिए सूरत के किस गांव में लोकेटेड है ये, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, ए कपासी, बी जोथन, डी कजोड़, डी मोरथन, बता दीजिए। इजी क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बन रहा है बच्चों, सूरत डायमंड्स बोर्स, ऑप्शन सी कजोड़ इज द राइट आंसर, कजोड़ गांव में है जो सूरत के अंदर पड़ता है, सूरत सिटी के अंदर पड़ता है कजोड़ गांव, ठीक है। नहीं दीपक, जोथन नहीं है, कजोड़ है, सी कजोड़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम 2023 एट विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स इन वाराणसी, कौन सी घाट पे ये काशी तमिल संगमम इनोग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड फेज में, ठीक है। ए अस्सी घाट, बी नमो घाट, सी मानसरोवर घाट, डी पंचगंगा घाट, बता दीजिए कौन से घाट पे इसका इनोग्रेशन हुआ है, सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी एग्जामों में आएंगे, SSC JEE नहीं, सारे एग्जामों में ये क्वेश्चंस आएंगे, दिसंबर का करंट अफेयर चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट महीने का, बता दीजिए। बेटा इसका आंसर है बी नमो घाट, नमो घाट इज द राइट आंसर, इसका आंसर है बी नमो घाट, ठीक है, नमो घाट। आगे आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has been conferred with the highest national awards of how many countries, highest national awards of how many countries since 2014, कितने देशों के highest national award मिल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, A 11, B 12, C 13, D 14, बता दीजिए, ठीक है, बता दीजिए। आप बोलेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा सारे, बट किसी काम के नहीं है, इतना इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बता दीजिए बच्चों, ए 11, बी 12, सी 13, डी 14, इसका आंसर है बेटा डी 14, 14 कंट्रीज से हाईएस्ट सिविलियन हाईएस्ट नेशनल अवार्ड अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट मिला है, नोट करके लिख लो, लेटेस्ट जो अभी मिला है 2023 में वो बता देता हूँ, ठीक है, 2023 में मिला है अपन को सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फिजी से, ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी से ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी कंट्री का ये हाईएस्ट अवार्ड है, कहाँ से, फिजी से, सही है राकेश जी, सही है, 14 आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ फिजी, फिर देख लीजिए न्यू गुइनिया कंट्री से भी मिला है ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ लोगुहु, लोगुहु बाय न्यू गुइनिया, न्यू गुइनिया,
ये सारे 2023 में मिले हुए हैं बच्चों, गुइनिया 2023 में मिले अवार्ड हैं, वो लिखवा रहा हूँ मैं सारे के सारे, उससे पहले के नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है इजिप्ट से, ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है इजिप्ट से, नाइल मिला है इजिप्ट, इजिप्ट से ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है इजिप्ट से, फिर लेगन ऑनर ऑफ मिला है फ्रांस से, लेगन ऑनर, लेगन ऑफ ऑनर ये मिला है बेटा फ्रांस से 2023 में ही, ये मिला है फ्रांस से 2023 में ही, फिर ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है ग्रीस से, ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है आपको ग्रीस से, ग्रीस से। ये सारे के सारे अवार्ड जो हैं ये 2023 में मिले हैं बच्चों, ये सारे के सारे अवार्ड 2023 में मिले हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं अलग अलग कंट्रीज के, 2023 में सारे मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड फिफ्थ एडिशन ऑफ लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, LEADS लीड्स 2023 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर इन अचीवर्स कैटेगरी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को अचीवर्स कैटेगरी में डाला गया है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को अचीवर्स कैटेगरी में डाला गया है, ए लद्दाख, बी जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी ए लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, बी पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली एंड चंडीगढ़, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार एंड दमन एंड दीव। बता दीजिए इन चारों में से किसको लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2023 की कैटेगरी में डाला गया है, अचीवर्स कैटेगरी में डाला गया है, बता दीजिए ए बी सी या डी। बेटा इसका आंसर है सी, दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली एंड चंडीगढ़ को डाला है अचीवर्स कैटेगरी में, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ को डाला है अचीवर्स कैटेगरी में लीड्स की रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, SAMAR समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023, अस्त्र शक्ति 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से राज्य में ये अस्त्र शक्ति जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स की सक्सेसफुली टेस्ट की अपनी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान, बता दीजिए ए बी सी डी में से, बता दीजिए आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ बेटा, ट्राई किया करो आंसर बताने का, सही हो या गलत हो डजेंट मैटर, जो भी गलत करना है यही कर लो, एग्जाम में मत करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द केपेबिलिटी ऑफ एंगेजिंग फोर टारगेट साइमल्टेनियसली एट अराउंड 25 किलोमीटर रेंजेस बाय कमांड गाइडेंस यूजिंग अ सिंगल फायरिंग यूनिट, बता दीजिए। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान, बता दीजिए इसका राइट आंसर बच्चों, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर, आज खूब सारे क्वेश्चन करने मिले हैं, आंसर बता दीजिए इसका। बेटा इसका आंसर है बी इंडिया, इंडिया इज द राइट आंसर, इसका आंसर है बी इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप, ACC अंडर 19 एशिया कप मेंस क्रिकेट किसने जीता है, कौन सी कंट्री ने जीता है, ए इंडिया, बी UAE, सी बांग्लादेश या डी जापान, बता दो किसने जीता है अंडर 19 ACC अंडर 19 एशिया कप 2023, इसका आंसर है बेटा सी बांग्लादेश,
बिल्कुल सही है दीपक वर्मा, सी आपका आंसर, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड स्वर्वेद महामंदिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। स्वर्वेद महामंदिर कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? ए मथुरा में, बी वाराणसी में, सी मेरठ में, डी ललितपुर में। बता दीजिए बच्चों कहां पे इनॉग्रेट हुआ है। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है ये भी। ठीक है, स्वर्वेद महामंदिर, स्वर्वेद महामंदिर कहां पे इनॉग्रेट हुआ है बता दीजिए। इसका आंसर है बेटा बी वाराणसी, बी वाराणसी। ठीक है, बी वाराणसी इज द राइट आंसर। हाँ सही है मुस्कान, दीपक सही है आपका भी, गुड। रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया हैज लॉन्च्ड अ कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प। कस्टमाइज मतलब कस्टमाइज करके बनाया बेटा माई स्टैम्प एंड स्पेशल कवर टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ रियो टिंटो। बता दीजिए कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है रियो टिंटो की? ए 50वीं, बी 100वीं, सी 150वीं या डी 200वीं। 200 बता दीजिए कौन इसका आंसर, 50, 100, 150, 200। बेटा इसका राइट आंसर है सी 158, 158 इज द राइट आंसर। ठीक है, 158 एनिवर्सरी ऑफ रियो टिंटो। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली शेख नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सभा इनका देहांत हो गया है, पास्ड अवे। ही वॉज ईमिर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ईमिर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन से देश के ईमिर थे ये? शेख नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सभा, बता दीजिए। बेटा इसका राइट आंसर है सी कुवैत, कुवैत। ठीक है, कुवैत, कुवैत इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम एट्थ बॉलर टू टेक 500 और मोर टेस्ट विकेट। ठीक है, आठवें बॉलर कौन है जिन्होंने 500 से ज्यादा अधिक 500 या उससे अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं? आठवें बॉलर बने ए नेथन लायन, बी मिचेल स्टार्क, सी जोश हेजलवुड या डी पैट कमिंस। बता दीजिए इसका आंसर ए बी सी डी, बता दीजिए इसका आंसर। बेटा इसका आंसर है ए नाथन लेयन, नाथन लेयन। ठीक है, इसका आंसर है नाथन लेयन, नाथन लेयन 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले आठवें बॉलर दुनिया के बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इन्होंने ये चीज हासिल की 123वें मैच में, 123वें मैच में। ठीक है, टोटल विकेट्स ले रही है इन्होंने 501। आगे आ जाइए, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। बता दीजिए इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाते हैं हम? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर? और थीम क्या थी ये भी लिखवाया हुआ था मैंने आपको पहले, थीम क्या थी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की? इसकी थीम थी प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, सेफ माइग्रेशन। ठीक है, सेफ माइग्रेशन को प्रमोट करना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। ठीक है, बता दीजिए कौन सा दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे? बेटा ये मनाते हैं अपन 18 दिसंबर को, डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 दिसंबर को मनाते हैं अपन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ठीक है, आगे आ जाओ, रिसेंटली रियूबन अजहर हैज बीन अपॉइंटेड अ न्यू एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू इंडिया। बता दो कहां के एम्बेसडर बने हैं अभी रियूबन अजहर? ए इज़राइल, बी तुर्की, सी यूएसए, डी यूनाइटेड किंगडम। बता दीजिए ए इज़राइल राइट आंसर मुस्कान, वेरी गुड, ए इज़राइल इज द राइट आंसर। ये भी कराया हुआ था आपको क्लास में, बताया हुआ था। ठीक है, इज़राइल के एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, इंडिया के एम्बेसडर बने हैं इज़राइल की तरफ से। ठीक है, रिसेंटली एंशियंट वॉल्स एनसर्कलिंग ओल्ड सिटी ऑफ केरुओन, ठीक है, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज कोलैप्स्ड, गिर गई है। इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन से देश में थी ये ओल्ड सिटी ऑफ केरुओन? बता दीजिए
ए टूनिशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी मोरक्को, डी इजिप्ट। दीपक बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ए टूनिशिया। ए टूनिशिया इज द राइट आंसर, ए टूनिशिया इज द राइट आंसर। ठीक है, टूनिशिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली द 28th एडिशन, 20वां एडिशन हुआ है किसका, ऑफ ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट 2023। ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कौन से सिटी में, ए बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई या डी हैदराबाद। बता दीजिए कौन सी सिटी में हुआ है। बेटा इसका आंसर है बी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुआ है, आंसर है इसका बी न्यू दिल्ली। ठीक है, बी न्यू दिल्ली में हुई है ये। थीम क्या थी इसकी, ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट की थीम क्या थी, लिख लो इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी फ्यूचर फॉर ऑफ फाइनेंस। फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इंक्लूसिव इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल, ग्रोथ फॉर ऑल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, बराबरी की ग्रोथ हो सबकी। ठीक है, ये इसकी थीम थी बच्चों, ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट 2023 की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक रिपोर्ट बाय S&P ग्लोबल रेटिंग विच विल बी इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन 2023-24, क्या रहेगी GDP ग्रोथ रेट इस रिपोर्ट के हिसाब से, ए 7.2, बी 6.4, सी 6.9 या डी 7%। बता दो, कई रिपोर्ट्स आती है बच्चों, उस रिपोर्ट वो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती है, उनके डेटास देख लीजिएगा। अगर बैंकिंग वगैरह के पेपर देने का भी मन हो तो बहुत बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर है बेटा बी 6.4%। इनका मानना है इंडिया की ग्रोथ रेट जो रहेगी वो रहेगी 6.4%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डीवैल्यूड इट्स करंट करेंसी पेसो बाय 54%, कौन से कौन से कंट्री की करेंसी है पेसो, बता दीजिए, उसको डीवैल्यू कर दी है 54% तक, समझ रहे हैं आप, डीवैल्यू उसको गिरा दिया गया है 54% तक, ए ब्राजील, बी घना, सी अर्जेंटीना, डी डी मैक्सिको। बता दीजिए पेसो कहाँ की, ए ब्राजील, नो ब्राजील नहीं है इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर ब्राजील नहीं है, इसका आंसर है सी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो। ठीक है, इन्होंने गिरा दिया है 54% अपनी करेंसी को, पेसो अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन लाइफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ रिजर्व्स, इंश्योरर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन लाइफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ रिजर्व। बता दीजिए लार्जेस्ट इंश्योरेंस करने वाली कौन सी कंपनी है, ए अलायंस एसी, बी चाइना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी निपोन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, डी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जिसे अपन जानते हैं LIC। बता दीजिए इसका आंसर है ए अलायंस SE। ठीक है, ए अलायंस SE, ठीक है अलायंस SE। ठीक है, दीपक वर्मा क्या कह रहे हैं, करेंसी लिखवा देना, करेंसी लिखवा दूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपको करेंसीज लिखवा देंगे सारी, अभी क्वेश्चंस कर लो जल्दी से। रिसेंटली हिज एक्सीलेंसी हेथम बिन तारिक वॉज अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल रिसेप्शन एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली
ही इज सुल्तान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ के सुल्तान है ये? हातिम बिन तारिक, ए ओमान, बी सऊदी अरेबिया, सी कतर या डी कुवैत, बता दीजिए कहाँ के सुल्तान हैं ये? हातिम बिन तारिक बता दीजिए बेटा, राइट आंसर इज ए ओमान, ओमान के सुल्तान है ये, ओमान, ठीक है, ओमान के सुल्तान है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 800 मेगावाट सोलर पार्क, 800 मेगावाट सोलर पार्क, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ठीक है। 800 मेगावाट सोलर पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एट अ कॉस्ट ऑफ 4000 करोड़, 4000 करोड़ की लागत पे 800 मेगावाट का सोलर पार्क बना है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? ए अमेठी, बी अयोध्या, सी चित्रकूट या डी मथुरा, बता दीजिए ए बी सी या डी, बता दीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है ये? बेटा इसका आंसर है सी चित्रकूट, सी चित्रकूट, ठीक है, सी चित्रकूट इज द राइट आंसर, इसे नोट करके लिख लेना बच्चों, ठीक है, नोट करके लिख लेना। 800 मेगावाट सोलर पार्क 4000 करोड़ की लागत से चित्रकूट में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ एन इंडियन मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड, आदमी नहीं बैठा था लेकिन फिर भी हवा में उड़ने वाला व्हीकल था, ड्रोन जैसे अपन बोलते हैं, यूएवी, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स, कौन सी शिप्स है बता दीजिए? ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विक्रमादित्य, सी आईएनएस विराट, डी आईएनएस विशाल, बता दीजिए ए बी सी डी। बेटा इसका आंसर है ए आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत इज द राइट आंसर, आईएनएस विक्रांत इज द राइट आंसर, ठीक है, टेक ऑफ किया इसने आईएनएस विक्रांत से। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी आपको कराया हुआ है, फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली, बी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, डी आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च रेफरल दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली कैंट जिसे अपन बोलते हैं, बता दीजिए। फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इंडियाज फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इंपॉर्टेंट है ये भी करवाया हुआ था बेटा, इसका आंसर है डी आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च रेफरल दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली कैंट, ठीक है, दिल्ली के बच्चे सब समझ जाएंगे, दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट हॉस्पिटल है जो आर्मी का, वहां पे किया गया बच्चों ये फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली यूनिट 4 ऑफ ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन KAPS हैज रीच्ड हिज फर्स्ट क्रिटिकलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कौन से स्टेट में है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र, बता दो कौन से स्टेट में है KAPS, कौन से स्टेट में है बच्चों, बता दो। बेटा इसका आंसर है ए गुजरात, गुजरात, ए गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है, ए गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए अपना इतना ही, सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज अपन ने काफी क्वेश्चन देख लिए, 60-65-70 के आसपास क्वेश्चन अपन ने देख लिए टेंटेटिवली, ठीक है। कल दोबारा मिलेंगे सेम टाइम 6 बजे, और कल पूरा दिसंबर का करंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग टेंटेटिवली 20 तारीख के आसपास तक का, दिसंबर 20 तक का कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, अगले 10 दिन का अपन कल कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं सेम टाइम नए सेशन के साथ 6 o'clock, ठीक है, बाय बाय एवरीवन। याद नहीं करना मुस्कान बेटा इन सबको, सिर्फ एक बार सुन लो, एक बार सारे ऑप्शन देख लो, मैं दोबारा से जब रिविजन कराऊंगा तब आप देख लेना, आप रिकॉल कर लोगे सारे के सारे, जो जो बच्चे क्लास में आके जस्ट सुन भी रहे हैं वो रिकॉल कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम।